Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. And if you are new, then hi, my name is Soumya and I post videos on makeup, beauty, fashion, DIY and lifestyle. So today's video is all about what's in my travel bag that I carry while traveling, and it's related to the skincare and my makeup. So let's get started. So let's dive directly into the video. So this is the bag that I basically carry for traveling, and I keep the products like my skincare, makeup in this bag only. So this is my makeup and skincare bag. Traveling here, I mean to going to places like our relative's house or somewhere like that only, or some nearby locations. So I'll show you what's in my traveling bag. As I told you, this is my traveling bag and this is my skincare and makeup bag. Basically, I carry the small palettes and pouches for the makeup and skincare. So let's see what's in my bag. So I'll show you one by one that what's in bag. First, we'll start with the skincare. So for skincare, I only use 2-3 products. That two are my go-to products. सो जो मैं पहला प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ वो है स्किन केयर से. सो जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर. ये बहुत ही अच्छा टोनर कैरी करती हूँ अपने बैग में. ये आपके स्किन को ग्लोइंग बना देता है और काफ़ी अच्छा टोनर है इसका. ये सबसे छोटा पैकेज है तो मैं यही कैरी करती हूँ. सो जो स्क्रब की बात करें वो अभी मैंने इसमें रखा नहीं है तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. तो नेक्स्ट चीज है वो है मेरी फेशियल ऑयल्स या सीरम आप कह सकते हैं. तो ये जो दो आप ऑयल देखते हैं ये मैं कैरी कर रही हूँ. मेकअप के बाद हमें स्किन को वापस अपने जगह पे लाना है, स्किन को हेल्दी रखना है, तो ये दो मैं ऑयल कैरी करती हूँ. एक टी ट्री ऑयल है, एक है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम. सो ये दो फेशियल ऑयल और सीरम मैं कैरी कर. और जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये मॉइस्चराइजर. ये है लोटस का मॉइस्चराइजर, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है. सो ये मैं एक कैरी करती हूँ मॉइस्चराइजर. और एक मेरा गो टू मॉइस्चराइजर है थोड़ा अफोर्डेबल. सो ये है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर. ये नॉन ऑयली है, काफ़ी अच्छा है. सो डिपेंड करता है आपको कैसा ग्लोई डोई मेकअप चाहिए, उस हिसाब से आप मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर उसके बाद आती है बारी बॉडी लोशन की. तो मेरे पास ये बॉडी लोशन है बोरो प्लस का, ये भी काफ़ी अच्छा है, चिपचिपा नहीं है ज़्यादा, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो इसलिए मैं ज़्यादा चिपचिपे टाइप वाले लोशन नहीं लगाती हूँ क्योंकि वैसे ही ऑयली स्किन है. नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो है ये, आई होप दिख रहा हो, यह है एल्प गुडनेस का हाइड्रेटिंग जेल बॉडी लोशन. सो ये शैशे में है जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है. सो एक मैं ये भी कैरी करती हूँ अपने साथ. और अब बात करते हैं लिप्स की. सो लिप्स को मॉइस्चराइज रखना, और एक लिप बाम जो कि काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर एक्ट करता है आपके लिप के लिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो मेरे पास यहाँ पे दो लिप बाम है मेबेलिन के. एक ये है मेबेलिन का बेबी लिप ब्लू और एक है मेबेलिन का लिप कलर. ये देख सकते हैं दोनों ही लिप बाम मेरे बहुत ही फेवरेट हैं. करेंटली आई एम यूजिंग दिस. सो या दीज आर माय गो टू लिप बाम्स. सो हेयर कंप्लीट्स माय स्किन केयर. अब मैं आपको दिखाती हूँ मेकअप. सो मेकअप में तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर मेकअप. मैं सबसे पहले बात करूंगी ब्रशेस की. सो ये तीन ब्रशेस हैं जो मैं कैरी करती हूँ. ये आई के लिए काम आ जाता है, और ये ब्लश के लिए काम आ जाता है, और ये फाउंडेशन के लिए काम आ जाता है. और ब्लश और मैंने फाउंडेशन को अलग रखा क्योंकि ब्लश और फाउंडेशन मैं नहीं चाहती वो दोनों एक दूसरे पे आ जाए, इसलिए मैंने ये तीन ब्रश मैं अलग से कैरी करती हूँ. सो अब बात करते हैं कंसीलर की. सो करेंटली मैं यहाँ पे दो कंसीलर कैरी कर रही हूँ. ये है मेरे पास कलर सेंस का HD स्टिक कंसीलर, और एक है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर का अगर आपको रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं. आई लिंक इट इन द आई बटन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट. सो या ये दो कंसीलर्स मेरे पास है, इनको मैं कैरी करती हूँ. ये थोड़ा मतलब थोड़ा लाइट शेड है, ये थोड़ा मेरा एकदम शेड स्किन टोन से मैचिंग है. सो दोनों को मिला के अच्छा खासा काम आप कर सकते हैं. ज़्यादा कुछ हैवी पैलेट वगैरह आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद बात आती है फाउंडेशन की. तो फाउंडेशन मैं यहाँ पे यही कैरी करती हूँ, लैक्मे का 9 to 5 फाउंडेशन. ये मेरा गो टू फाउंडेशन है क्योंकि ये एक तो मेरी स्किन ऑयली है और ये मैट फाउंडेशन है, तो वो मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है. अगर मैं कोई और फाउंडेशन यूज़ करती हूँ तो वही केकी बेस हो जाता है, तो मेरे को पसंद नहीं है. सो यही मेरा एक गो टू फाउंडेशन है, तो मैं सिर्फ फाउंडेशन में एक इसी को कैरी करती हूँ.
फिर उसके बाद आती है ब्लश की, तो ब्लश के लिए मैं एक छोटा सा, ये मेरे पास पैलेट है, इसको मैं कैरी कर लेती हूँ। इसमें मेरे को चारों शेड मिल जाते हैं, ऑरेंज, पीच, पिंक और एक न्यूड शेड, चारों मिल जाते हैं। तो मिक्स एंड मैच करके कोई भी आउटफिट के साथ आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। आई शेडो की अगर मैं बात करूँ तो आई शेडो के लिए मेरे पास ये SRF कलर का 10 आई शेडो पैलेट है, छोटा सा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, तो मैं इसको कैरी कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं सारे न्यूड शेड्स हैं इसमें। सो मिक्स एंड मैच करके आप कोई भी स्मोकी लुक या कोई भी अच्छा सा लुक, न्यूड लुक क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कोई भी ड्रेस के साथ जाएगा। सो ये एक पैलेट है जो कि मैं कैरी करती हूँ आई शेडो के लिए। फिर उसके बाद बात आती है हाईलाइटर की, तो हाईलाइटर के लिए मेरा गो टू हाईलाइटर है ये आप देख सकते हैं, ये है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटिंग पाउडर, मेगा ग्लो हाईलाइटिंग पाउडर। ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटिंग पाउडर है, जो कि ये देख सकते हैं, आई होप ये दिख रहा हो, काफी अच्छा हाईलाइटिंग पाउडर है ये। तो ये बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट में, मतलब कॉम्पैक्ट बॉक्स है, तो मैं इसको कैरी करना बहुत पसंद करती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर, तो एक से ही काम चल जाता है। बात आती है मस्कारा की, तो मेरे पास यहाँ पे है फेसेस कैनेडा का मस्कारा, यही एक मैं मस्कारा कैरी करती हूँ, जो की वाटर प्रूफ है और मुझे बहुत ही पसंद है। अब बात करते हैं लाइनर की, तो मेरे पास यहाँ पे दो लाइनर है, तो ये दोनों लाइनर है, ये ब्लू हेवेंस के लाइनर है, ये है ब्लैक जो उनका एकदम जेट ब्लैक लिक्विड लाइनर, और एक है ये उनका ब्लू में लाइनर है। इसे मैं कैरी करती हूँ ताकि कोई भी पार्टी वेयर या नॉर्मल लुक भी क्रिएट करना, तो मेरे पास ब्लू भी है, ब्लैक भी है, दोनों से काम हो जाएगा। सो अब बात करते हैं लिपस्टिक की, सो लिपस्टिक बेसिकली डिपेंड करती है आपके आउटफिट पे, और मैं यहाँ पे दो तीन लिपस्टिक ऐसी कैरी करती हूँ जिनको मैं मिक्स मैच करके मतलब दोनों लिपस्टिक के शेड को मिक्स करके ऐसा शेड क्रिएट कर लूँ जो कि मेरे ड्रेस के साथ जाए। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे, वैसे मैं ज्यादातर डार्क लिपस्टिक्स ही यूज करती हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे एक ये मरून है और ये पिंक में है, ये माई ग्लैम के ये पिंक में है, और ये मेबलिन की रेड बोल्ड रेड है, ये पिंक क्यों शो हो रहा है इसमें, ये रेड है, और एक ये थोड़ा न्यूड सा पिंक, मतलब थोड़ा न्यूड में जाता है। ये क्रियॉन्स भी हैं, ये है एलिटीन का पिंक कलर का लिप क्रियॉन, और एक है यहाँ पे मेरे पे ये NY बे का ये न्यूड सा। सो इनको मिक्स करके कोई भी अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कलर बन सकता है, जो कि मैं यूज कर सकती हूँ, कोई भी आउटफिट के साथ उसको यूज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। सब कुछ एक्स्ट्रा चीजों की बात कर लेते हैं जो बैग में पड़ी है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी होती हैं, बस हम उनको भूल जाते हैं। तो ये मेरी कुछ क्लिप्स जो कि मैं कैरी करती हूँ ताकि कोई भी हेयर स्टाइल वगैरह बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहे। साथ साथ मैं दो रबर बैंड कैरी करती हूँ, आपको बाल परेशान कर रहे हो ऊपर है तो आप टाई कर लो उनको। एक मेबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट भी रखती हूँ सेट करने के लिए, एक स्पंज रखती हूँ जो कि हम डैम्प करके आराम से यूज कर सकते हैं, और टू कॉम्ब्स रखती हूँ, एक थोड़ी वाइड वाली एक पतली वाली, जो कि बहुत हेयर स्टाइलिंग में काम आता है। और मेकअप के बाद अगर आपको स्किन अपनी क्लीन करनी है तो उसके लिए क्लींजिंग मिल्क, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करने में मदद करता है, जिसके बाद आप अपना अच्छे से स्किन केयर कर सकते हैं। सो या दीज वर माई गो टू प्रोडक्ट्स दैट आई कैरी वाइल ट्रैवलिंग और वाइल गोइंग टू सम प्लेस वेयर आई नीड ऑल दीज थिंग्स वेयर आई स्टे फॉर 2-3 days. So I wanted to show you all this that what I carry in my traveling bag, and if this video helped you, then please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.